उत्तर प्रदेश में 2600 करोड़ रुपए के भविष्य निधि घोटाले से हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों की भविष्य निधि के करीब 2600 करोड़ रुपए का अनियमित तरीके से निजी संस्था DHFL में कथित निवेश किए जाने के खुलासे के बाद सरकार हरकत में आ गई है। इस बीच यूपी पुलिस ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व MD AP मिश्रा को कल देर रात गिरफ्तार कर लिया। उनसे किसी अज्ञात स्थान पर पुलिस पूछताछ कर रही है। यूपी पुलिस गोमती नगर और अलीगंज के आवास और दफ्तर पर नजर बनाए हुए थी। इसके अलावा शासन ने सोमवार देर रात सचिव ऊर्जा और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की प्रबंध निदेशक अपर्णा को उनके पद से हटा दिया है और उनकी जगह पर वरिष्ठ अधिकारी एम देवराज को कमान सौंपी गई है। फिलहाल EOW इस घोटाले की जांच कर रही है। वहीं यूपी सरकार ने CBI जांच की सिफारिश की है। कहा जा रहा है कि हिरासत में लिए गए पूर्व MD AP मिश्रा राजनीतिक रसूख वाले अधिकारी हैं। उनको सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है। AP मिश्रा ने अखिलेश यादव पर किताब भी लिखी थी। इस किताब का विमोचन 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर ही किया गया था। अखिलेश यादव सरकार ने AP मिश्रा के रिटायरमेंट के बाद 3 बार सेवा विस्तार किया था। हालांकि मौजूदा CM योगी आदित्यनाथ ने मिश्रा को विभाग से बर्खास्त कर दिया था। AP मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, भ्रष्टाचार के रक्त बीज पर हम जीरो टॉलरेंस तलवार के वार से भ्रष्टाचारी त्राहिमाम कर रहे हैं। UPPCL के पूर्व MD जो अखिलेश यादव जी के नयन तारे थे, इन्हें 3 बार सेवा विस्तार मिला था, अब हिरासत में लिए गए हैं। तो भाई अखिलेश बाबू ये रिश्ता क्या कहलाता है। उन्होंने आगे लिखा, मेहनत कशों की गाड़ी कमाई की खूब मचाई बंदरबाट, भ्रष्ट तंत्र की शह पा करके वर्षों की तुम सबने ठाट, जनता को धोखा देने वालों के अब दिन हो चले हैं पूरे, सन्यासी के संकल्पों से भ्रष्टाचारियों की खड़ी है खाट, अब की बार भ्रष्टाचार की जड़ पर प्रहार। योगी ने PF मामले में लिखा, बिजली कर्मियों के GPF और CPF की राशि मेहनत कशों की वर्षों की साधना से इकट्ठा हुई है, भ्रष्टाचार के चूल्हे में मेहनत की लकड़ी नहीं जलेगी। CM योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में UP गवर्नमेंट बिजली कर्मियों की रकम की पाई पाई की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं प्रियंका गांधी ने इस मामले में ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, एक खबर के अनुसार भाजपा सरकार बनने के बाद 24 मार्च 2017 को पावर कॉरपोरेशन के कर्मियों का पैसा डिफॉल्टर कंपनी DHFL में लगा। सवाल ये है कि भाजपा सरकार 2 साल तक चुप क्यों बैठी रही। कर्मचारियों को ये बताइए कि उनकी गाड़ी कमाई कैसे मिलेगी और किन किन विभागों का पैसा डिफॉल्टर कंपनियों में लगा है। सारी चीजें अभी सामने लाइए, जवाब तो देना ही होगा। मेहनत की गाड़ी कमाई का सवाल है,